सांस लेने तक में दिक्कत हो रही है। विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है और आंखों में जलन, सांस में दिक्कत तो हो ही रही है। प्रदूषण ने सर्द मौसम की सर्द हवाओं को जहरीला बना दिया है। खांसी, सांस लेने में मुश्किल, आंखों में जलन आदि समस्याओं से तमाम लोग जूझ रहे हैं। वहीं आज दिल्ली, यूपी, हरियाणा, मुंबई में मौसम में अब तक की सबसे घनी धुंध देखने को मिली। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं दिल्ली की ओर। प्रदूषण ने दिल्ली वालों की हालत पिछले काफी समय से खराब की हुई है, जिससे राहत पाना फिलहाल के लिए मुश्किल लग रहा है। आज भी दिल्ली वालों पर स्मॉग की एक मोटी परत देखने को मिली, जिससे विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम रही। ऐसे में दिल्ली वालों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पॉल्यूशन, जैसे मैं आज सुबह निकला था 6 बजे अर्ली मॉर्निंग, मैं निकला था वसुंधरा से। जब मैंने दिल्ली एंटर किया, मेरे को महसूस हुआ जो आंखों में जो ना जलन थोड़ी सी ज़्यादा होने लग गई। मैं पहले भी कर रहा था साइकिलिंग, बट बीच में मैंने हॉल्ट किया इसी रीज़न की वजह से। और मुझे लगता है कि पॉल्यूशन जो है ना, जितना भी इधर उधर चीज़ें हो रही हैं, मे बी पराली हो सकता है एक रीज़न इसका, और काफ़ी सारे रीज़न्स हैं। बट ये जो टाइम है ना, इस पर्टिकुलर इस टाइम में यहाँ पे होता क्या है कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है और सांस लेने तक में दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं भंडारा पहन के चला रहा हूँ साइकिल भी। बिल्कुल निश्चिंत उठाने चाहिए, सरकार को भी मैं बोलूँगा उठाने चाहिए, और जो आम नागरिक है उनको भी थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए इन चीज़ों के लिए। बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, एक तो विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है और आँखों में जलन, सांस में दिक्कत तो हो ही रही है। अभी पराली जलाने का मौसम होता है, इसी समय ये फॉग, ये पॉल्यूशन बढ़ता है। ऊपर से आज फॉग और हो गया है, तो उस करके बड़ी मुश्किल हो रही है। विजिबिलिटी बिल्कुल पुअर हो गई है, काफ़ी समस्या हो रही है। आँखों में जलन हो रही है, चलने में दिक्कत हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। क्या करा जाए जो इससे राहत मिल सकती है? इससे गाड़ियाँ थोड़ा सा कम हो जाए, और क्या नाम है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी स्मॉग की चादर दिखी। हरियाणा के गुरुग्राम, करनाल और अंबाला से ये तस्वीरें आ रही हैं, जहाँ स्मॉग के चलते दृश्यता काफी हद तक कम हो गई है। मैं कई दिनों से आ रहा हूँ यहाँ पे, और आज ही अचानक ही एकदम धुंध पड़ गई है, और दिखना भी 20 मीटर तक भी दिखना बहुत मुश्किल हो रहा है, और मैं नहीं चाहता कि आगे आना पड़े। प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसी से लग रहा है। ये एक एक आज ही हुआ है या पिछले कुछ दिनों से बदलाव? नहीं, ये आज ही हुआ, ये अचानक ही आई है एकदम। ये पंजाब में प्रदूषण की वजह से आ रहा है। पंजाब में क्यों? यहाँ सैलरों का पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ सैलरों का भी बहुत ज़्यादा है, और ये चिमनी नहीं लगी कहीं भी सैलरों पर, इसलिए उसका प्रदूषण बहुत ज्यादा है। सैलरों का बहुत ज्यादा प्रदूषण है, कई और फैक्ट्रियां हैं जिनका धुआं बहुत ज्यादा हो जाता है। नोएडा में भी स्मॉग का खासा असर देखने को मिला। धुंध के बीच लोग आवागमन करते दिखे। मायनगरी मुंबई भी कोहरे से अछूती नहीं रही। मुंबई के कोस्टल रोड से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहाँ से देखने पर आसपास की ऊंची इमारतें धुंधली नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने बुधवार को राजधानी में सुबह के समय कुछ स्थानों पर धुंध, कोहरा व हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा रहने की संभावना जताई थी। वहीं शाम और रात के समय भी धुंध और कुहासा जारी रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।